ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ एग्जामपुर पे। सादिया अंसारी, वालेकुम सलाम। मनीष मल्होत्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। थोर जय हिंद, कैसे हो थोर? आज दिल्ली में मौसम बढ़िया हुआ है। दो तीन दिन बहुत गर्मी हो रही थी, आज फिर से मौसम बढ़िया हो गया है। ना गर्मी है ना ठंडी है। दीपांशु सिंह जय हिंद। साक्षी चौधरी जय हिंद, कैसी हो साक्षी? कैसे हो दीपांशु? अमित शर्मा जय हिंद। टोन्स जय हिंद, कैसे हो? आप लोग एरिया में मौसम कैसा है? अभी तो वेदर अच्छा। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता है आप लोग को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? हम आप न्यूज में देखते होगे या कहीं भी देखते होगे, ऐसा बोलते हैं आज का वेदर कैसा है। कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आज का क्लाइमेट कैसा है। और जो बोलते हैं वो गलत है। क्लाइमेट और वेदर में फर्क पता है आप लोग को? मैं भी बढ़िया हूँ अमित थोर। मैं भी बढ़िया हूँ थोर। जिंदगी के सफर में क्या बोल क्या लिखे हो फाइटर पायलट? जिंदगी के सफर में एक और दिन में आपका स्वागत है। अरे यार फाइटर पायलट, वेरी गुड, थैंक यू यार। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए कहीं अरे दिल। अरे मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा बहुत टैलेंटेड इंसान है यार। डिजाइनिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर शायरी सब कुछ बोल लेता है। दाल फ्राई कर रहे हैं दीपांशु सिंह, इतना सुबह सुबह दाल फ्राई कर रहे हो? देखो यार हमें सुबह से कुछ भी नहीं मिला, बस एक चाय मिला है, कॉफी भी नहीं मिला है, और दीपांशु दाल फ्राई कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, यही नसीब होता है यार। देखो दीपांशु का नसीब कितना अच्छा, इधर चाय चाय नसीब हुआ है बस सुबह से, और कुछ भी नहीं। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पीरियड, वेदर शॉर्ट टर्म पीरियड। यस यस साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। जिसे हम कहते हैं आज का वेदर बहुत अच्छा है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है? और कुछ लोग कहते भी है लेकिन वो एक्चुअली गलत है। देखो वेदर और क्लाइमेट में एक बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है, याद रखना है, और ये तो आपको आप लोगों को पता होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है? कुछ घंटे के लिए हो सकता है, आवर्स के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए हो सकता है, दो चार दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म्स, जैसे कि लगभग कुछ साल, कुछ ईयर्स, ठीक है? ईयर्स चाहे डिकेड्स, ठीक है? डिकेड्स, जैसे हम आप सुनते होंगे न्यूज में आता है, या आता है, हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इज चेंजिंग। हमारे जो पूर्वज है वो कहते हैं कि पहले हमारे हमारे समय में इतनी गर्मी नहीं होती थी, हमारे समय में इतनी सर्दी नहीं होती थी। वो क्या है? वो क्लाइमेट है। जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो पोल्यूशन से हो रहा है, वो उससे क्या चेंज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है? हम ये कभी नहीं कहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में वेदर चेंज के लिए किया गया, जी नहीं। हमने ये हम कभी ये नहीं कहते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में वेदर चेंजेस के लिए ये स्टेप लिया गया, जी नहीं। हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज मींस एनी चेंजेज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर, एनी चेंजेज आइदर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो इन लॉन्ग टर्म्स। लॉन्ग टर्म्स मतलब सालों साल, 10 साल 20 साल के ड्यूरेशन में जो चेंजेज होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। बस इतना याद रखना, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं आज का वेदर कैसा है, बढ़िया वेदर है, मौसम बहुत अच्छा है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट कैसा है, और ऐसा कहने अगर ये गलत है। क्लाइमेट बस लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है, और वेदर एक घंटे के लिए हो सकता है, आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है वेदर, ठीक है? इसको वेदर कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हमारा दो टॉपिक होगा और बहुत इजी टॉपिक है। पहला एटमोस्फियर, इसको मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को, एटमोस्फियर, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है?
ये समझो कि आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, जस्ट थिंक दैट यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स, ओके। सारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, ये सब में, पीसीएस में आ चुके हैं, ठीक है, ओके ओके। एटमोस्फियर और स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर में बीच बीच में थ्योरी बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी विद इन द क्लासेस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, मैं टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, फटाफट बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में गलती होगा उस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में दूंगा, ठीक है। द एटमोस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, नियर द अर्थ सरफेस, इट कंटेन मेनली, बहुत इजी क्वेश्चन है आज का, लेकिन कुछ चार पांच क्वेश्चन बाद में आएगा, चार पांच क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यस यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। वायुमंडल की गैसों का मिश्रण है पृथ्वी के सतह के पास, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है, वायुमंडल क्या, वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। यस यस, इसका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है हमारे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, कितना है 78%, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 21%, उसके बाद आर्गन, आर्गन कितना है 0.93%, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, चार नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये चारों गैसेस को आप याद रखना, ठीक है, इनका कंपोजिशन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज में, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन इन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जस्ट रिमेंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस यस, आपको एग्जैक्ट पॉइंट में याद करने की जरूरत नहीं है, 78 समथिंग ये सब, 21 ये एग्जैक्ट, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द पॉइंट, नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द एवरेज, एवरेज दैट इज नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 78%, ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली 21%, आर्गन इज अप्रोक्सीमेटली 0.93%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%। जस्ट रिमेंबर द अप्रोक्सीमेट डाटा, नो नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन पॉइंट, गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कोल्ड, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की पतली परत क्या, उसको क्या कहते हैं। देखो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये हमारी पृथ्वी है, दिस इज योर अर्थ, मदर अर्थ, धरती माँ है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपको पता है गैसेस है, चारों तरफ गैसेस है, चारों तरफ गैसेस है, चारों तरफ गैसेस है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं करा रहा हूँ। यस यस यस, इसको कहते हैं एटमोस्फियर, 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 इसको कहते हैं एटमोस्फियर, वातावरण, वातावरण, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ये सब बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, उसको क्या कहते हैं, वातावरण, वातावरण का ये परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस, नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस ही आपने सुना होगा, नोबल गैस, नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ने आपने नाम सुना होगा, इनर्ट गैस, किस गैसेस को इनर्ट गैस कहते हैं, व्हिच गैसेस आर नोन एज इनर्ट गैस। गुड मॉर्निंग मानसिंह, कैसे हो अंकित मौर्य, इनर्ट गैस या नोबल गैस आपने नाम सुना होगा, बचपन में पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे, खास करके साइंस के स्टूडेंट्स पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। छोटा भीम डी बोल रहे हैं, न्यून होता है, छोटा भीम मनीष मल्होत्रा डी बोल रहे हैं, ये क्या पूछ रहा, नोट पूछ रहा, नोट ध्यान सुनो, नोट, नोट नहीं होता है, नहीं, नोट देखो, इनर्ट गैस वो गैस होते हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं, जो कभी किसी से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस यस यस, इसका उत्तर सी होगा, हमारे वातावरण में रेडन नहीं होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है, न्यून भी होता है, रेडन नहीं होता है, रेडन डायरेक्टली हमारे वातावरण में नहीं मिलता है, ठीक है, रेडन डायरेक्टली हमारे वातावरण में नहीं मिलता, यस, बिकॉज रेडियोएक्टिव है। यस छोटा भीम, यस यस, इनर्ट है, देखो इनर्ट है, लेकिन वातावरण में मिलता है, न्यून हमारे वातावरण में मिलता है, ठीक है, हीलियम भी मिलता है, आर्गन भी मिलता है, सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलता है, ठीक है, ओके।
ओके रेड ऑन नेक्स्ट. द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फियर, वायुमंडल में प्रकाश के विस्तरण का क्या कारण होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है अब चाय पी लिए हम. अच्छा फाइटर पायलट चाय पी के पायलट हवाई जहाज उड़ाओगे भी. द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर इज, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम और वाटर वेपर. गुड मॉर्निंग कुमार कंचन, गुड मॉर्निंग. यस यस यस, ये डस्ट पार्टिकल्स होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है. देखो ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो मेरी बात. ये आप अपनी प्यारी सी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और यहां पर सन है. जब सन की रोशनी आती है, जब इंसुलेशन आता है तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, गैसेस है. अब ये सूरज की रोशनी मान लो ऐसे आएगी, सूरज की रोशनी ऐसे आएगी, यहाँ पर एक पार्टिकल से टकराएगी, फिर ऐसे टकराएगी. ये क्या होता है, वातावरण की वजह से होता है. ठीक है, डस्ट पार्टी है हमारी, इसमें डस्ट पार्टिकल से सोलर की जो रे है वो टकराती है और ऐसे ऐसे होती है. इसी क्या है, इसका उत्तर डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इफ अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमोस्फियर देन द टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट. यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान चरम पर होता है. क्या अगर मान लो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और अभी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, गैसेस है. आपको पता है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेस है. अगर ये वायुमंडल या वातावरण नहीं होता तो क्या होता. इफ दीज गैसेस आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन व्हाट हैपेन. ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा जो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली टेम्परेचर मतलब एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीम का हिंदी. यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच तापमान चरम पर होता, वो बढ़ता या घटता जो टेम्परेचर है. अगर अभी वायुमंडल में है, गैसेस है, अगर ये गैसेस नहीं होते तो जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता या घटता या सेम रहता. हाजी ये सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, ये सीडीएस का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस क्वेश्चन है आस्क इन द सीडीएस. रिमेन द सेम. नो मेरे भाई. कौन सी बोल रहे, ये सीडीएस का क्वेश्चन. एक बार और सोचो, थोड़ा सा सोचो, यानी कि आप लोग साइंटिफिकली नहीं सोच पा रहे हो, ऊपर सोच रहे हो. सेम तो नहीं होता. हाँ सेम तो नहीं होता, सीधी सी बात है. मान लो अभी वायुमंडल है, अभी गैसेस है तो इतनी टेम्परेचर, जब वायुमंडल नहीं होगा तो सेम कैसे होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, सीधी सी बात है, सेम कैसे हो सकता है. ये सीडीएस का क्वेश्चन है. यस यस, इंक्रीज हो जाता. ठीक है, इंक्रीज हो जाता. यस यस, वेरी गुड. अगर वातावरण नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो इंक्रीज हो जाता. इसका आप लोग थोड़ा सा ये भी सोच सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ग्रह है जहां पर वातावरण नहीं है और वहां पर. और देखो वातावरण, अगर ध्यान सुनो, ये भी डिपेंड करता है कि वातावरण में कौन सा गैस है. जैसे वेनस, वहां पर क्या है, वहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. तो लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पूछ रहा है कि हमारे पृथ्वी की बात कर रहा है, तो पृथ्वी की बात कर रहा है. ठीक है, पृथ्वी पर बात कर रहा है. अगर वातावरण में गैसेस नहीं होते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल कोई गैस नहीं होता तो इंक्रीज हो जाता. ठीक है, ओके, यस, आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. ये
ये एनडीए में पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू आवर सी। पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलती नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार। यस यस, आपको पता है, ये हमारी पृथ्वी है, सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। ये सब हम पढ़ चुके हैं और आप सब आशा करता हूं कि इसको याद कर लिए होंगे। ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर क्या है? मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। उसके ऊपर क्या? आइनोस्फियर। इसको मैं अब अगर क्लास में टाइम मिलेगा तो इसके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? आज ही के क्लास में अगर मुझे टाइम मिल गया तो इसको मैं हर लेयर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एग्जोस्फियर, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद आइनोस्फियर। हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, और आयन मंडल, ठीक है? ओके, यस यस, याद रखना सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के ऊपर क्या? आइनोस्फियर। और सबसे ऊपर, है एग्जोस्फियर, ठीक है? सबसे ऊपर है एग्जोस्फियर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मोस्ट वेदर एक्टिविटी ओकर इन विच ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? सर्वाधिक मौसमिक गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको कि सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके ऊपर मीजोस्फियर है, उसके ऊपर आइनोस्फियर है, और सबसे ऊपर एग्जोस्फियर है। तो सबसे ज्यादा जो वेदर एक्टिविटी है, वेदर एक्टिविटी मतलब बारिश होना, साइक्लोन बनना, धूप निकलना, धूप तो चलो ऊपर भी है, ठीक है, मतलब बारिश, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, एंटी, ये सब, सुनामी, ये सब किस में होता है? सी को लॉक कर दिया जाए, जहां हम रहते हैं। यस, वेरी गुड सादी अंसारी, जहां हम रहते हैं। यस यस, हम किस में रहते हैं? हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। वेरी गुड, आई रियली प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू, मन खुश कर देते हो आप लोग, नॉलेज है आप लोग को। यस यस, जहां हम रहते हैं, सीधी सी बात है, कहते हैं ना सबसे खराब इस दुनिया में सबसे खराब प्राणी क्या है? इंसान है। ओ चलो, लेकिन इसके लिए, इसमें जो भी नेचुरल, ये सब नेचुरल फेनोमेना है, कुछ चीजों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, ओके? अब बारिश होती है, बारिश के लिए क्या है? बारिश, हाँ, उसको हम लोगों ने इफेक्ट किया है, नो डाउट, हम लोगों ने इफेक्ट किया है। पहले जहां ज्यादा बारिश होती थी, आजकल कम हो रहा है, जहां कम होती थी वहां ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिफोरेस्टेशन हम लोग पेड़ पौधे को काटते चले जा रहे हैं। आपको पता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, का आप नाम सुना होगा आपने, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वहां पर एक दिन में कितना पेड़ कटता है आपको पता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, को कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। वहां पर हजारों एकर्स जमीन पर लैंड, पेड़ काटे जाते हैं एक दिन में, ओनली फॉर वन डे, एक दिन में हजारों काटे जाते हैं। यस यस, कभी आप यूट्यूब पे देखना, वो पेड़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, जो पेपर आप जिस पेपर पर हम लोग लिखते हैं, टिश्यू पेपर बनाने के लिए, ठीक है, टिश्यू पेपर जिससे हाथ हाथ पोंछते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में, यूरोप में, अमेरिका में लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सुबह 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 बाथरूम जाने के बाद पानी का यूज करते हैं, वो लोग पानी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग मतलब छोड़ो सब, ठीक है, ठीक है। तो पेपर बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। हम इंडिया वाले इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि पता है आपको, इंडिया वाले, इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा है, सब मसाला ज्यादा खाते हैं, अगर उसको यूज करेंगे तो पिछवाड़े में आग लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बोलवा रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है। ओजोन लेयर व्हिच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर, ये देखो दो बार ये क्वेश्चन आया है,
ये क्वेश्चन एनडीए में आया है, एनडीए एनडीए में आया 2020 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनडीए और सीडीएस का लेवल देखो, मैं बताता हूं। और ये सीडीएस में आया है, सीडीएस में आया 2021 में। अब सोचो सोचो, यस यस, डी कौन बोल रहा है, डी कौन बोल रहा है, कोई तो उत्तर गलत दो यार। ये क्वेश्चन दो बार एनडीए में आ चुका है और सीडीएस में आ चुका है। सूर्या विश्वकर्मा ये बोल रही है, देखो एक मुर्गा मिल गया। सूर्या विश्वकर्मा गलत है। ओजोन लेयर व्हिच एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। डोरेमन ए, अब बनाना मुर्गा। यस यस यस, देखो देखो मेरी बात, पहले तो ये देख लो आप लोग, आप लोगों को लगता होगा कभी कभी, देखो कभी कभी क्या होता है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये एनडीए में आया, ये एनडीए में 2020 में आया था, और ये सीडीएस में आया, सीडीएस में आया 2021 में। आपको विश्वास होगा तो क्वेश्चन पेपर देख लेना, सीडीएस में 2021 में आया। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से। देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग ए बोल रहे हैं, जो लोग ए तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता है। कभी कभी लड़कों को लगता है ट्रोपोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि ओजन जो गैस होता है, मेरी बात ध्यान से सुना, जो ओजन गैस होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है। यस यस, जहां अभी हम लोग है इस लेयर में भी ओजन गैस होता है, लेकिन उसको कहते हैं बेड ओजन, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है। गुड ओजन किसमें पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना, और इस तरह से आपको घुमाया जा सकता है। आपको पता है सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर, जहां हम लोग रहते हैं, जहां बारिश होती है, जहां साइक्लोन आता है, जहां सुनामी आती है, ट्रोपोस्फियर, यहां पर सब हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहां पर पेड़ पौधे सब कुछ यहां पर है, ठीक है, पेड़ पौधे। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग लगभग 20 और 35 किलोमीटर के हाइट पर जो गैस मिलती है वो है ओजन, ओजन को O3 से लिखते हैं, ओजन गैस। देखो ओजन गैस, ठीक है, ओजन गैस। जब सूरज की रोशनी आती है, सन हो गया, जब सूरज की रोशनी आती है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब सूरज की रोशनी आती है तो ये जो ओजन गैस होता है इसमें से अल्ट्रा वायलेट रे को, यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, और हमारे धरती पर विदाउट यूवी रे पहुंचता है, जिसके वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। यस यस, ठीक है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, यस, आईज प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी होती है। अगर ये ओजन गैस नहीं होगा तो ये सारी रे डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचेगी, और हमें इंसान और जानवर को, प्लांट को बहुत सारी बीमारियां होगी। लेकिन देखना, याद रखना एक चीज याद रखना कि ओजन इसमें भी होते हैं, ओजन जो गैस है वो ट्रोपोस्फीयर में भी ओजन गैस होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये खराब ओजन गैस है, खराब मतलब ये अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यस, तो याद रखना मेरे भाई और बहनों, याद रखना, जैसे मोदी जी बोलते हैं भाई और बहनों, उसी तरह मैं बोलता हूँ, गुड ओजन और बेड ओजन दोनों होता है। गुड ओजन मतलब जो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर ले, और बेड ओजन जो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, बेड ओजन जो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है। गुड ओजन कहाँ पाया जाता है, याद रखना, गुड ओजन मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखना इसको, कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है कि गुड ओजन और बेड ओजन कहाँ मिलता है। गुड ओजन मतलब जो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, STRATO, स्ट्रेटोस्फीयर। और जो बेड ओजन है, बेड ओजन मतलब जो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो मिलता है ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, इस चीज को याद रखना। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुड ओजन इज फाउंड इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, बेड ओजन किस वायुमंडल की परत में पाया जाता है, ठीक है, गुड ओजन और बेड ओजन। इसको गुड ओजन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से प्लांट एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन इसको बेड ओजन इसलिए कहता है
क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बेड ओजोन, ठीक है, ओके। यस, देखो ये जो 20 से मैं 35 बोला हूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई बहनों, कहां गया, चलो मैं बना देता हूं। मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने बोला कि सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सबसे नीचे क्या है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर क्या है स्ट्रेटोस्फियर, STRATO, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। मैंने बोला कि 20 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में यहां पर ओजोन गैस होता है, ओजोन गैस, लेकिन ये किसी किसी बुक में 20 से 30 भी होता है, देखो अलग रहो, क्योंकि आप एक बात ध्यान सुनो मेरी भाई लोग, क्योंकि वो गैस है, ठीक है, गैस का एग्जैक्ट बाउंड्री तो नहीं हो सकता ना कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, वो गैस है, कोई वहां पर हमने जाकर बाउंड्री खींचा नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको 35 भी मिलेगा, किसी बुक में आपको 30 भी मिलेगा, सब सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। और एग्जाम में अगर आएगा तो वो आपका ऑप्शन बहुत दूर दूर आएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन बहुत दूर दूर आएगा, ठीक है। तो 20 से 35 भी होता है, 20 से 30 भी होता है, क्योंकि वो गैस है, ठीक है, गैस का कोई यहाँ बाउंड्री नहीं है, ठीक है, ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट। तो भावुक नहीं होना है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर मास्टर ये 20 से 30 लिखा हुआ किताब में तुम 20 से 35 पढ़ा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, ये क्या गैस है, ठीक है, गैस का कोई बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, ऊपर नीचे जाते रहता है, ठीक है। यस यस, कभी कभी आपको ये 20 की जगह आपको 18 किसी किसी किताब में मिलेगा, 15 भी मिलेगा, वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गैस है, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक क्वेश्चन का उत्तर दो मुझे, ये अपना क्या, ये अपना अर्थ का क्या है, ये प्यारी सी पृथ्वी है, जो ओजन लेयर डिप्लेशन मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, ओजन लेयर डिप्लेशन मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, मैक्सिमम कहां पर हो रहा था, अब तो खुशखबरी ये है कि जो ओजन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, मतलब जो ओजन की परत खत्म हो रहा था, वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बीच में तो बहुत बड़ा होल हो गया था पोल पर, यस यस, सबसे ज्यादा पोल पे होता है, यस यस, वेरी गुड, सबसे ज्यादा पोल पे होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पे होता है और दक्षिणी ध्रुव पे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से चूज करना पड़े आपको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फिर क्या बोलोगे? आवाज स्लो हो गया, मतलब नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे सबसे ज्यादा किस पोल पे होता है, जो ओजन लेयर डिप्लेशन है वो सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे? आज बहुत ज्यादा मुर्गा मिल रहे हैं, कुमार कंचन नॉर्थ बोल रही है, ठाकुर सॉरी नॉर्थ बोल रही है, नॉर्थ पोल, छोटा भीम नॉर्थ बोल रहा है, सब लोग नॉर्थ पोल बोल रहे हैं। नहीं 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 मेरे भाई और बहनों, नहीं, थोर वेरी गुड, साउथ, साक्षी चौधरी वेरी गुड। देखो लिसन, सबसे पहले आपको याद रखना कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था अब थोड़ा कम हो गया है, और नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ज्यादा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी चूज करना पड़े, अगर मान लो ऑप्शन में आ जाए नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर, क्या तो क्या चूज करोगे? साउथ पोल पे अंटार्कटिका के ऊपर ज्यादा हो रहा था, ठीक है, अंटार्कटिका पे ज्यादा हो रहा था। अच्छा कभी सोचे हो, एक चीज देखो, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंसान सबसे ज्यादा कहां रहता है, ये आपको ये मान लो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंसान यहां पर रहता है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, इसी के बीच में। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां पर होगा, यहीं पर होगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति कहां शुरू हुआ था, आपको यूरोप में शुरू हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, उसके बाद फ्रांस जर्मनी ये सब में आ गया, उसके बाद में इंडिया और चाइना में तो अभी आया है। इंडिया और चाइना में आपको विश्वास नहीं होगा, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, 1980 के बाद स्टार्ट हुआ है, हमारे देश में तो और बाद में हुआ है, चाइना में भी 1970-80 के बाद स्टार्ट हुआ है। इससे पहले सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्या है, ये इंग्लैंड के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, उसके बाद अमेरिका आ गया। तो सबसे ज्यादा आप
क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है पृथ्वी पर वो इस एरिया में रहती है, इस एरिया में रहती है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जो प्रदूषण है, वो इस एरिया में होता है, सीधी सी बात है। जहां पर इंसान रहेगा वहां पर इंडस्ट्रीज है, तो पॉल्यूशन कहां पर होगा, वहीं पर होगा ना। अब मान लो इंसान यहां पर तो रहता नहीं, अंटार्कटिका में रहता नहीं है, इंसान नॉर्थ पोल पे तो रहता नहीं है, मतलब नॉर्थ पोल पे इंसान रहता है क्या, सबसे नॉर्थ पोल पे, ना के बराबर, ना के बराबर, मैं ना ये एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है। साउथ पोल पे रहता है क्या, नहीं, अंटार्कटिका पे नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर फिर ओजन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है। जहां मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग, यूपीएससी ने पूछा था कि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन जो ओजन लेयर डिप्लेशन होता है वो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्यों होता है। गॉट इट। क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन देखो, इसी तरह के क्वेश्चन आता है बड़े एग्जामों में, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे प्यारी सी पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा ये हमारी इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर हिंदी में इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर है, इसके बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी के बीच में रहता है। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद पूरे ये फैल गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी यहीं पर होगा, सीधी सी बात है, जहां लोग रहते हैं वहां पर कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, पॉल्यूशन होगा, तो इसी एरिया में होता है। लेकिन जो ओजन लेयर डिप्लेशन है वो यहां पर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्यों होता है। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, स्नो से क्या मैं बताता हूं, ठंडी गैसेस, पहले क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों, सही है सुनो, इंसुलेशन की वजह से, देखो, हाँ ओके, इधर आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, मैं पढ़ाऊंगा, चलो मैं सोमवार को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मंडे को मैं बताऊंगा, अभी नहीं। पोलर वॉर्टेक्स, पोलर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, वॉर्टेक्स, VORTEX, पोलर वॉर्टेक्स एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, अभी आज मैं उसको एक काम करूंगा, मंडे को मैं बताऊंगा, ठीक है। पोलर वॉर्टेक्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आपको मजा आएगा, ठीक है। पोलर वॉर्टेक्स अगर एक लाइन में मैं बताऊं, ड्यू टू पोलर वॉर्टेक्स, ओके, मैं ड्यू टू पोलर वॉर्टेक्स, इसको मैं मंडे को एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉमिस, मंडे को मैं आपको पोलर वॉर्टेक्स एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ चुका है, फटाफट बताओ, फटाफट। यस, अभी मैंने बताया था जो ओजन लेयर होता है जो यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी धरती पर आने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, ओजन लेयर, ठीक है, ओजन परत। नेक्स्ट, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ चुका है, आप रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, सैटेलाइट मोबाइल से एक दूसरे से बातें करते हो, किस लेयर की वजह से होता है वो, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये ठीक है, ये ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ऊपर में सबसे ऊपर में आइनोस्फीयर है, मेसोस्फीयर के ऊपर है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर में नाम में देखो आयंस है, नाम में क्या है, आयंस है, आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आयंस क्या होता है, आप पढ़े होगे बचपन में पढ़ते होगे सोडियम प्लस, ठीक है, इस तरह से कैल्शियम 2-, इस तरह से पढ़ते हो, ये क्या है, आयंस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आइनोस्फीयर में है। अब देखो, एक आदमी यहाँ दिल्ली में और एक आदमी यहाँ पर मुंबई में, दिल्ली से रेडियो का सिग्नल ऊपर जाएगा, मान लो इसके पास रेडियो है, ये कैसे सुनाई देगा, यहाँ सिग्नल ऊपर जाएगा, ये जो आयंस है, इसको यहाँ
ट्रांसमिट कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ये आदमी अपने रेडियो में सिग्नल सुनेगा। तो आइनोस्फीयर की वजह से दूर संचार किया जाता है, ठीक है, ओके, आइनोस्फीयर से किया जाता है, ओके। तो ये हमारा सॉरी कहां गया, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा आइनोस्फीयर, 11 का सी, 11 का सी, ठीक है, आइनोस्फीयर, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, इंडिया का भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था, यस यस, सीडीएस 2011, सीडीएस 2011, सीडीएस 2011 का एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन लेयर है, उसको माना जाता है कि उसमें हवाई जहाज एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्यों? ये सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई और बहनों, 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या बात है, मेरे सारे विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हो गए यार, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कोई मुर्गा नहीं मिल रहा, कोई मुर्गा नहीं मिल रहा जिसको आज काट कर फ्राई करके खाया जाए, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। यस यस, द एब्सेंस ऑफ क्लाउड एंड अदर वेदर फिनोमेना, इसका उत्तर डी होगा। देखो ध्यान सुनो मेरी बात मेरे भाई और बहनों, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फीयर, यस ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, और उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। जो भी नेचुरल फिनोमेना होता है ना, जो भी प्राकृतिक गतिविधियां होती है, चाहे बारिश हो गया, रेनफॉल, रेनफॉल होगा तो क्लाउड होगा, सीधी सी बात है, क्लाउड नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी, ठीक है। दूसरा या मान लो साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, जो भी होता है, सुनामी, जो भी होता है, हवा, सबसे तेज हवा इसी में, जेट स्ट्रीम इसी में चलती है, सब कुछ किसमें होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो क्या शांत रहता है, हर चीज मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसमें बादल ऐसा नहीं कि बादल बिल्कुल नहीं होगा, यस यस, याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं कि बादल यहाँ पर होगा ही नहीं, बादल होगा लेकिन ना के बराबर, हवा होगा लेकिन ना के बराबर, ठीक है, गैसेस होगा लेकिन ना के बराबर, ठीक है। तो उसमें जो जेट होता है उसको उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे जब आप हवाई जहाज में बैठोगे तो आप हवाई जहाज कभी कभी, यस मेरे साथ भी हुआ ये, हवाई जहाज में कभी आप बैठोगे तो हवाई जहाज कभी कभी ऐसे ऐसे होता है, उसको कहते हैं टर्बुलेंस, ठीक है, जब हवा में बादल में हवाई जहाज जाता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है, ओके, इसलिए उसको कहते हैं टर्बुलेंस। तो यहाँ पर जब हवाई जहाज चलता है ना, यहाँ पर हवाई जहाज, तो उसको टर्बुलेंस का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बादल नहीं है, बारिश नहीं होती है, हवा बिल्कुल कम है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 12 का डी, ओके। नेक्स्ट, व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियोलिस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है कि एक होता है ऑरोरा बोरियोलिस और एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है, बादल होता है, यस यस, सब कुछ होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें बादल भी होता है, उसमें हवा भी होता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है, आपको पता है दो दो फिनोमेना होता है, आप नॉर्थ पोल पे जाओगे ना तो रात में बिजली चमकता है, वैसे लाइटनिंग होती है, इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, सॉरी ऑरोरा, ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है, नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे जाओगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास में, यहाँ पर ऑरोरा होता है, ऑरोरा, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में होता है, ठीक है। तो ये कहां पर होता है, ये आइनोस्फीयर में होता है मेरे भाई और बहनों, ठीक है, ये आइनोस्फीयर में होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयन से, देखो आइनोस्फीयर में इसलिए होता है, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये आयन क्यों होता है, एक मिनट में मैं बताता हूं ये क्यों होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये प्यारी सी पृथ्वी है, ठीक है, प्यारी सी पृथ्वी है, आपको पता है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी भी एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, हमारी पृथ्वी जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, चुंबक, जिसको कहते हैं जियो मैग्नेट, जियो मैग्नेट, जियो मीन्स अर्थ और मैग्नेट मतलब चुंबक, धरती का चुंबक, ठीक है। यहां से क्या होता है, यहां पर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां से ऐसे मैग्नेट, मैग्नेट जिस मैग्नेट में फ्लक्स निकलता है, आप बचपन में पढ़े होंगे, एक नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाके घुस जाता है, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाके घुस जाता है, और इसके ऊपर जब सोलर रेडिएशन आता है, सोलर सन की राइट आती है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लाइटनिंग होती है, क्यों, क्योंकि आपको आप लोगों को सोचना चाहिए कि सर यहाँ पे क्यों होता है और यहाँ पे क्यों होता है, कभी सोचे हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्यों होता है, क्योंकि 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 देखो जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट हमारी अर्थ का मैग्नेट ऐसा है, अर्थ का मैग्नेट कहीं नॉर्थ पोल मान लो और ये साउथ पोल मान लो, जबकि रियलिटी में उल्टा होता है,
रियलिटी में उल्टा होता है। आपको पता है कि मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, मान लो ये बार मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है? पोल पे स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी चुंबक का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। कोई भी मैग्नेट कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है? नॉर्थ पोल पे स्ट्रॉन्ग होगा, साउथ पोल पे स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी बीच में उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, वीक हो जाती है। उसी तरह हमारा अर्थ जो है, उसी तरह जो हमारा अर्थ है, यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जब सोलर की, सन की जब रोशनी आती है तो कोलाइड करता है, मतलब टकरा, दोनों में रिएक्शन होता है, तो यहां पर लाइटनिंग होती है, यहां पर लाइटनिंग होती है। यस, गॉट इट, गॉट इट। कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, यस मेरे भाई लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यार मुर्गा मिल नहीं रहा, किसकी पार्टी होगी? अमंग द एटमॉस्फेयर लेयर व्हिच इज द मोस्ट डेंस डेट ऑक्युपाई 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस यस, वायुमंडल परतों में सर्वाधिक सघन कौन सी? वायुमंडल के 85% भाग पर ही आती है। यस, यस यस, आप सबको पता है, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो नीचे वाला लेयर होता है ना, जो नीचे वाला लेयर है, जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, सबसे ज्यादा जो गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो कहां पर है? सबसे नीचे के लेयर में। क्यों? उसका रीजन आप सबको पता है, ये हमारी अर्थ है, प्यारी सी अर्थ है, जो सबसे नीचे, जो सबसे पास में गैसेस ज्यादा है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो चुंबक, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हवा को अपनी तरफ खींच के रखती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये हवा कम हो जाएगा, और ऊपर जाओगे और कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? ट्रोपोस्फीयर में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बोले नेक्स्ट, द एयर टेम्परेचर राइजेज विथ हाइट इन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा एक मिनट सोच लेना इसको। सादिया सी, हाँ एक मुर्गी मिल गई, आज एक मुर्गी मिल गई है। दीपांशु सिंह सी, एक मुर्गा भी मिल गया। देखो मान सिंह डी, देखो एक और मुर्गा मिल गया, बहुत मुर्गे मिल गए यार। प्रिया सिंघल, अरे क्या बात है यार, मैं सोच रहा था एक भी मुर्गा मुर्गी नहीं मिलेगा, बहुत मुर्गा मुर्गी मिल गए। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत लोग गलत उत्तर दे रहे हो, गलत उत्तर दे रहे हो। देखो इधर आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहां पर क्या है? सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, यस। उसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। याद रखना मेरे भाई और बहनों कि ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखो नॉर्मली आमतौर पे क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो घटता है। कितना घटता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितना घट जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। उसको कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, या नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। यस यस, मेजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट होता है, देखो ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे जहां हम लोग खड़े हैं, और यहां से 20, यहां से 10, यहां पर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर से ऊपर जाओगे, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहां पर 0 हो गया, 0 हो गया। लेकिन फिर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? याद रखना, याद रखना, यहां भी डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि यहां ओजन लेयर गैसेस है, ओजन गैसेस, और ओजन गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ओजन के जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। ओजन गैस क्या करता है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है, और गर्मी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है।
गॉट इट। तो याद रखना कि ट्रोपोस्फीयर में जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, वातावरण में वायुमंडल में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा ये भी याद रखना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एक किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों? मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैसेस। यहाँ पर ओजोन गैसेस होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट, लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लाइटनिंग और थंडरिंग किसमें होता है? सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर होगा। ठीक है, ठीक है, लाइटनिंग और थंडर कहां पर सबसे ज्यादा होगा? ये डी कौन बोल रहा है? ठाकुर सौरभ सिंह डी। आइनोस्फीयर में लाइटनिंग एंड थंडर, देखो थंडर और लाइटनिंग कैसे, इसका मतलब आपको पता है लाइटनिंग और थंडर कैसे होता है, लाइटनिंग और थंडर कैसे होता है पता है आप लोगों को? चलो मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को। देखो आइनोस्फीयर, एक इंसान ने बोला आइनोस्फीयर, देखो आइनोस्फीयर में सिर्फ आयन है लेकिन वहां पर वाटर वेपर नहीं है, वहां पर बादल नहीं है। आइनोस्फीयर सबसे बहुत ऊपर है, वहां पर बादल नहीं है दोस्तों, वहां पर क्या है, वहां पर रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, और जब रेनफॉल नहीं होगी तो थंडरिंग कहां से होगी वहां पर? ठीक है, थंडरिंग कहां होगी, लाइटनिंग कैसे होगी? ठीक है, गॉट इट, मैं बताऊंगा लाइटनिंग और थंडर कैसे होती है। ठीक है, डोंट वरी, इसका उत्तर होगा ट्रोपोस्फीयर में, सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर में। एक चीज याद रखना कि जो भी नेचुरल इवेंट होते ही है, बारिश, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, जो भी होता है किसमें होता है? ट्रोपोस्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। ठीक है, सौर मंडल में होता है, ठीक है, सौर मंडल में होता है। ओके ओके, ट्रोपोस्फीयर में होता है, जो भी नेचुरल इवेंट होते हैं वो किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ट्रोपोस्फीयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर बिकॉज, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यस यस, थोर हलवा है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं दोस्त। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ एनडीए सीडीएस में भी ये सब क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सिर्फ डिफिकल्ट के चक्कर में इजी चीजों को मत छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जब इजी क्वेश्चन आप छोड़ कर आओगे ना तो आपको और या गलत करके आओगे तो इजी क्वेश्चन, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक इजी क्वेश्चन होता है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो चांसेस है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है अगर वो गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो, क्योंकि आप गलत करके आए हो, बाकी लोग गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, गॉट इट, ट्रोपोस्फीयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज, देखो अभी बहुत लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। Yes, it is heated by the earth surface. It is heated by the earth surface. देखो, ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या गैसेस है? गैसेस है। जब सन की रे आती है ना तो अर्थ गर्म हो जाता है। अर्थ गर्म होगा, अर्थ गर्म क्या होगा, अर्थ जब गर्म होती है तो अर्थ अपना रेडिएशन करती है, रेडिएशन मतलब हीट को रिलीज करती है, जिसके कारण से जो गैसेस है वो गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण से गैसेस गर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको करो, which of the following are correct in matching the layer of the atmosphere and its characteristics? Are correct, कौन इसमें से करेक्ट है? ट्रोपोस्फीयर में वेदर फेनोमेना होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजन लेयर है, आइनो, देखो ओजन में बता रहा हूं दो ओजन होता है, एक गुड ओजन और एक बैड ओजन। लेकिन अगर मेंशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर मेंशन नहीं किया है कि गुड या बैड, तो आप गुड मान लेना। ठीक है, आप गुड मान लेना। ठीक है, मेजोस्फीयर में अरोरा, नहीं नहीं ये गलत है। देखो अभी मैंने बताया कि जो अरोरा होता है, चाहे अरोरा बोरियोलिस या ऑस्ट्रियोलिस, कहां पर होता है? आइनोस्फीयर में होता है। आइनोस्फीयर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड टू अवर सरफेस, ये सही है, ये 1, 2, 3 एंड सही, इसका 1, 2, 3। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी, 1, 2, 3 सही है। यस यस, ओके आगे बढ़ते हैं।
द अर्थ एटमोस्फियर इज मेनली हीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म होती है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, स्केटर्ड सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका उत्तर क्या होगा? अमित शर्मा, अमित शर्मा, अंकित मौर्या ए बोल रहे हैं, गलत है अंकित। सादिया अंसारी बी बोल रही है, वो भी गलत है। गलत है, गलत है, गलत है। कुमार कंचन गलत है, अंकित मौर्या गलत है, डोरेमन, बहुत सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हो। ये उत्तर एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है, पीसीएस में 12 का सी। देखो एक सही है और एक ज्यादा सही है, मैं बार बार चिल्लाता हूं कि ज्यादा सही वाले को चूज करना है आपको। यस, ज्यादा सही वाले को चूज करना है, ज्यादा सही वाले को चूज करना है। इसमें से एक दो ऐसे है जो आपको सही लगेगा, लेकिन वो 20% 30% सही है, 50% सही है, लेकिन जो ज्यादा सही है उसको आपको चूज करना है। जस्ट चूज द राइट वन व्हिच इज मोर एक्यूरेट। देखो इसका उत्तर डी होगा, इसका उत्तर डी होगा, इसका उत्तर डी होगा, ठीक है। देखो याद रखो, याद रखो, जो सन की रे आती है ना, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, उसके वजह से हीट नहीं होता है। हीट होता है जो अर्थ का अर्थ पहले एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ इसको रेडिएट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट करती है, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो अर्थ जो रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट करती है, उसके वजह से गर्म होता है, ठीक है, ओके। जो सूरज की रोशनी आती है ना, उससे नहीं होता है, जो अर्थ का रेडिएशन होता है, अर्थ अपने हीट को रिलीज करती है, अर्थ हीट को रिलीज करती है, उसके वजह से होता है, ठीक है, ओके। इसलिए आप ज्यादा हलवा हलवा के चक्कर में आप लोग यही करोगे। नाइनटीन कहां गया? नाइनटीन, यस, नाइनटीन का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन डिट स्ट्राइक द अर्थ इज कोल्ड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलो आज टाइम हो गया, ठीक है, यस यस। देखो छोटा भीम, फिर से गलती हो रही है छोटा भीम। इस क्वेश्चन का भी रहने दो, मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। थोड़ा ऑप्शन ऑप्शन गलत है ये, ठीक है, ऑप्शन गलत है। देखो ए ए के बाद बी, बी बी सी, ये गलत गलत किया, गलत किया, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ऑप्शन गलत लगा, यस यस यस, ऑप्शन गलत है, ठीक है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। टुमोरो आई विल मीट एट 10 AM, ठीक है, एंड आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 10 to 11 AM। कल फिर से हम लोग मिलेंगे 10 बजे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।